लोग उस पे कीचड़ उछालते रहे, लेकिन वो फिर भी डटा रहेगा और आगे भी डटा रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ खान सर की, पटना वाले। कुछ लोग बोलते हैं अमित सिंह, भाई वो उनका मुद्दा है मुझे नहीं पता, लेकिन अपन को सिर्फ इनसे इंस्पिरेशन और भाई इंडिया और वर्ल्ड वाइड की हमको चाहिए पूरी सटीक नॉलेज। भाई जिस तरीके से भाई हमें समझाते हैं ना, मतलब अभी समझाने वाले हैं आयरन ड्रोन के बारे में। याद होगा मुझे लगा जब लास्ट वीडियो आई थी उनकी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी यूट्यूब पे और ट्विटर के ऊपर, और भाई हैशटैग चल रहा था भाई रिपोर्ट खान सर, बाइकॉट खान सर। तो मुझे लगा शायद अब नहीं आगे वीडियो नहीं आएंगे इनकी, लेकिन नहीं, जज्बा इनका पूरा भरा हुआ है तो अपन को सपोर्ट करना है। दिल खोल के, दिल पूरा खोल दो यार। खान सर हमको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे भाई इसराइल यूज करता है आयरन ड्रोन सिस्टम। भाई ये खाली हमास के लिए तो ठीक है, लेकिन ये सिस्टम इंडिया में ने मतलब इंडिया ने भाई इसको नकार दिया था, कोई इंडिया अब लेने वाला S-400 भाई सिस्टम, जिससे भाई बहुत ज्यादा फायदा होगा इंडिया को। लेकिन आयरन डोम सिस्टम भाई है एक मूवेबल सिस्टम जो हम जिसको हम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो भाई छोटा सिस्टम होता काफी था, लेकिन S-400 जो अपने इंडिया में आने वाली है वो सिस्टम भैया लगेगा हर एक बॉर्डरों पे। तो भाई वो बहुत ही ज्यादा फिक्सेबल होता है, मूवेबल नहीं होता। लेकिन भाई आयरन ड्रोन सिस्टम के ऊपर बहुत सारे ऊपर पोर सिस्टम भी आते हैं, स्पाइडर XR भाई MR जो भी है, ये सब आप जाके देख सकते हैं। खान सर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमास की भाई, जिसके हमास ने 200, 300, 1,000, 2,000, 3,000 लोग टाके थे इसराइल के ऊपर, लेकिन आयरन ड्रोन ने काफी मजबूती से उसको डिफेंस कर दिया, उसको धर मार गिरा एक तरीके से बात मानू तो। लेकिन इसराइल को काफी कम नुकसान हुआ था एज कम्पेयर टू हमास। तो भाई फाइट का सीज फायर हो चुका है, लेकिन आगे भी बहुत कुछ होने वाला है, अलग सा मस्जिद के अंदर भी। और भाई जो मुद्दा शेख जर्रार का था वो भी उठेगा उठेगा, देखता है क्या होता है। लेकिन खान सर की वीडियो आप इंजॉय करो और उनसे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, नॉलेज गेन कर सकते हो। भाई एक छोटी फैमिली से है, इनने हर एक चीज देखी है, बस ये लोगों को चाहते कि वो एजुकेट करें कम फीस के अंदर यार, मतलब दिल देख रहा है। लेकिन भाई लोग फिर भी इन पर कीचड़ छालते हैं, भले ही ये इस विंग के उस विंग के किसी साइड की बात कर ले यार मुझे नहीं पता, लेकिन हर किसी के पीछे एग्जैक्ट फैक्ट्स होता है, चाहे वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हो या फिर पूरे वर्ल्ड की न्यूज दे रहे हो। तो भाई लेकिन अपन को क्या करना है, आयरन ड्रोन सिस्टम समझना है। भाई इन्हें बता दिया इसराइल के बारे में, तो फाइनली इसराइल और फिलीपींस के बीच में, पेलिस्टन के बीच में हो चुकी है सीज फायर। तो लेकिन मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अभी मुद्दा बहुत चलेगा, ये तो अभी और चलेगा। लेकिन भाई खान सर की वीडियो को एंजॉय ले और सपोर्ट करें भाई को।